हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ एंजॉय बाय एमके। और आज की इस वाली वीडियो में आप सभी के लिए लाए हैं यूपी 888 लोअर पीसीआर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है और आज जो फिनिश हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, वही प्रूफ के साथ लेके आए हूँ आप सभी के लिए। तो फ्रेंड आप कमेंट करके बताइएगा कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले ये जो कट ऑफ है ये है वीडियो एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी कट ऑफ है। तो इसमें देखिए जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 211 कट ऑफ गई थी और ओबीसी की 205 गई थी। इस तरह से कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी और एग्ज़ाम काफ़ी टफ था, फिर भी इतनी हाई कट ऑफ गई थी। उसके बाद दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। और इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये एआरओ की कट ऑफ है, जनरल की 205 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 198 गई थी। और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग का जो कट ऑफ आई थी, ये 40 में से जो कट ऑफ बनी थी, ओबीसी की 31 नंबर बनी थी 40 में से, एससी की 29.5। और ये है 2016 वाला, इसमें जो जनरल की कट ऑफ बनी थी वो 30.50 और ओबीसी की भी सेम बनी थी, जबकि इसका एग्ज़ाम जो आया था हिंदी टफ था और जीके भी टफ थी, फिर भी इतनी हाई कट ऑफ गई थी। अब अगर लोअर पीसीएस की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की 216 से 219 मार्क्स, ओबीसी की 213 से 216 मार्क्स, एससी की 210 से 213 और एसटी की 207 से 210 के बीच में बन सकती है और कट ऑफ बढ़ भी सकती है। इसलिए कह रहा हूँ बढ़ सकती है क्योंकि जितने भी अभी यूपी स्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं सबके कट ऑफ बहुत हाई गई है। तो फ्रेंड आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मार्क्स भी बताइए कितने बन रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।